हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमारे सामने एक बैग रखा हुआ है। अगर आप लोग स्टेबलाइजर या फिर इन्वर्टर या फिर इलेक्ट्रिक का कोई और काम करते हो तो आप इस चीज़ को जरूर पहचानते होंगे। ये एक 2 एम्पेयर का बैग है और ज़्यादातर हम लोग इसका इस्तेमाल वोल्टेज स्टेबलाइजर की सेटिंग में करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है कि हम लोग वेरियर बाजार से खरीद कर ले तो आते हैं वेरियर इसका, बट इसे कनेक्शन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कहीं ना कहीं शुरुआत में मुझे भी दिक्कत आई थी और ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आती है। तो आज हमने सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके कनेक्शन के बारे में। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 2 एम्पेयर का वेरियर है। इसमें आप ये 4 पॉइंट्स देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो बताते हैं आपको इसमें इनपुट कौन सी है और इसकी आउटपुट कौन सी है। ये देखिए, वेजक पीछे करने में आपको इसमें एक पत्ती दिखाई पड़ रही होगी, गौर से देख लीजिए। तो ये इसकी आउटपुट फेस रहता है, ये जो पत्ती है इसका आउटपुट फेस रहता है। और इसके अलावा ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, जो कि आउटपुट से थोड़ा दूरी पर है, ये इसका न्यूट्रल होता है, यानी हम मेन लाइन का न्यूट्रल इसे बनाएंगे। अच्छा, न्यूट्रल हमारा आउटपुट और इनपुट दोनों के लिए कॉमन ही रहता है। ये न्यूट्रल हो गया, ये हमारा फेस आउटपुट हो गया। अब ये तो हमारे जो पॉइंट बचे, ये दोनों हमारे इनपुट के फेस रहते हैं। अब आप सोचोगे कि 2 फेस किस लिए, तो मैं आपको वही बताता हूँ। अगर हम इसे इनपुट फेस के तौर पर यूज़ करते हैं इस वाले पॉइंट को, और इसे न्यूट्रल बनाते हैं और ये हमारा आउटपुट बनता है, तो फिर हमारा वेरियक वर्क तो करेगा, बट वैसे वर्क नहीं करेगा जैसे हम चाहते हैं। यानी कि जितने वोल्टेज इनपुट आएंगे हाईएस्ट, ये वेरियक उतने ही वोल्टेज आउटपुट निकाल कर देगा। वर्किंग पूरी होगी बट अपने पास से वेरियक कुछ वोल्टेज नहीं बढ़ाएगा। और अगर हम वही कनेक्शन यानी कि इनपुट फेस इसकी बजाय इस पॉइंट से ले लेते हैं, यानी कि आउटपुट के बिल्कुल बराबर से इनपुट फेस दे देते हैं इस वाले पॉइंट पर, तो फिर हमारे वेरियक भी अपने पास से 10 या 20 वोल्ट बढ़ा देता है। आइए आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। ये देखिए, इस पर हमने कनेक्शन किए हैं, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन है, और ये फेस हो गया मेन लाइन का। ये हमारा आउटपुट का कनेक्शन निकला है, जो कि वोल्ट मीटर पर ये कनेक्शन जा रहे हैं। और आपको इसे इनपुट देकर चलाकर बताते हैं। ये देखिए, वेरियक हमारा वर्क कर रहा है, बट आउटपुट मैक्सिमम 240 वोल्ट तक जा रही है। अब हम इसका कनेक्शन चेंज करके देखेंगे, यानी फेस यहाँ से हटाकर दूसरे पॉइंट पर लगा के देखेंगे, फिर देखते हैं कि कुछ वोल्ट बढ़ते हैं या फिर नहीं बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने ये इनपुट फेस चेंज कर लिया, पहले जो इस पॉइंट पर लगा हुआ था अब हटाकर हमने बराबर वाले पॉइंट पर लगा लिया है। अब चेक करते हैं कैसा वर्क कर रहा है। ये देखिए, वाह, ठीक वर्क कर रहा है। ये वोल्टेज बढ़ाना इसने शुरू कर दिया है, और पहले वोल्टेज जो 240 पर आकर रुक जा रहे थे, अब ये बढ़ाकर से 260 तक लेकर जा रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है।